इतनी चल रही थी तो सत्संग में ना, क्योंकि मैंने आपको बताया जैसे ट्रेन में ऐसे झटके लग रहे थे ऐसे, अभी तक ऐसे ऐसे हो रहा था, तो मैं कोने में बैठ गई और मेडिटेशन हॉल में उस टाइम सत्संग चल रहा था। आई थिंक कोई केरला एडवांस कोर्स चल रहा था कुछ ऐसे, आई थिंक 800 हजार लोग थे उस टाइम, और गुरुदेव ऐसे बैठे हुए सामने, मान लो एक नॉर्मल रूम के साइज में, और मैं ऐसे कोने में बैठी और गुरुदेव ऐसे स्टेज पर बैठे, कुछ कुछ जैसे लोग स्लिप्स डालते हैं ना, तो वो कुछ पढ़ रहे हैं और सत्संग चल रहा है, लोग झूम रहे हैं और मैं एक कोने में बैठ के बस उनको देख रही हूँ, और सत्संग चल रहा है, मन में कुछ कुछ अच्छा लग रहा है, और मैं ना उनको देखते हुए ऐसे सोच रही हूँ, अच्छे तो आप बड़े पर मैं आपको गुरु नहीं बनाऊंगी। फिर छोटी बुद्धि, एकदम गुरुदेव, मतलब सत्संग चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, लोग नाच रहे हैं, मैं बैठी हूँ उनको देख रही हूँ, और जैसे ही ये थॉट ऐसे आया मेरे मन में और मैं उनको देख रही, गुरुदेव का ध्यान नीचे है जो वो पेपर स्लिप्स पढ़ रहे हैं, गुरुदेव ने एकदम ऐसे चेहरा सामने उठाया, सीधा मेरी आंखों में देखा और बोलते हैं, मैंने कब कहा मुझे गुरु बनाओ, मुझसे जो मिलता है लो और आगे चलो। एंड आई वाज लाइक, मतलब आई वाज शॉक्ड, मुझे ऐसा लगा ये सब कैसे हो सकता है, ही वाज लुकिंग एट मी, और जैसे ये थॉट आया उन्होंने एग्जैक्टली मेरा आंसर दिया कि मैंने कब कहा मुझे गुरु बनाओ। देन बाद में पता चला कि अगर हम गुरु बना रहे होते तो हम ही गुरु होते ना, गुरु तो चुनते हैं। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि गुरुदेव, मतलब मेरे पापा मुझे कभी भेजेंगे, इवन बाद में भी मेरे पापा ऐसे बोलते थे कि अगर मुझे पता होता मैं कभी ना भेजता, तो मैं उनको बोलती थी आप रो की कैसे लेते जब गुरुदेव ने बुलाया था।